हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम 21AC01 का रीडिंग कॉम्प्रेंशन के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले अनाउंसमेंट है कि मैंने टेस्ट पेपर 3 रिलीज़ कर दिया है। सभी को पता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू हो चुका है, 20 अप्रैल से शुरू हुआ था और मैंने टेस्ट पेपर 3 रिलीज़ किया है, मगर इस बार मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है, मैंने आंसर पेपर रिलीज़ नहीं किया है। रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स को आदत हो रही है स्पून फीडिंग की, वो लोग खुद से कोशिश नहीं करते हैं कि खुद से आंसर्स लिखें। ये मैंने देखा है, उनको लग रहा है कि भाई रेडीमेड आंसर्स मिल गए हैं, बस इससे काम हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, रेडीमेड आंसर्स उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होता है जो सबसे पहले खुद ट्राई करते हैं आंसर लिखने का, और फिर जो आंसर्स ऑलरेडी बने हुए हैं उससे मैच करते हैं और देखते हैं क्या गलती हुई है। या तो आप खुद से प्रैक्टिस करो लिखने का, जो क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं आप आंसर मत देखो, आप खुद से घर में प्रैक्टिस करो, उसके बाद आंसर्स अपना मैच करो, जो रेडीमेड आंसर जो स्टैंडर्ड आंसर्स है उससे मैच करो। ये एक सही तरीका है। सिंपली आंसर्स लेना, उसको रीड आउट करना, लिखने की प्रैक्टिस करना, इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ कर दिया है, मैं टेस्ट पेपर 3 का आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो वो क्वेश्चन को और खुद से आंसर्स लिखने की कोशिश करो। और मैं 10 दिन के बाद टेस्ट पेपर 3 के आंसर पेपर भी रिलीज कर दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये है टेस्ट पेपर 3 का आंसर पेपर, मगर ये मैंने अभी रिलीज़ नहीं किया है, आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, और आप लोग इस पर अपने आंसर्स खुद से लिखने की कोशिश करो। और जब आप आंसर्स लिख लेते हो, 10 दिन बाद जब मैं आंसर पेपर रिलीज़ करूँगी, आप उसको डाउनलोड करके अपने आंसर को मैच कर लेना, मगर खुद से लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको सीखना तो पड़ेगा ना कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, अगर यही नहीं सीखोगे तो एग्ज़ाम में लिखोगे कैसे आप। ओके, तो इसीलिए खुद से लिखो, या आप मुझसे इवैल्यूएट करवाओ, क्वेश्चन पेपर आप बाय करो और मुझसे इवैल्यूएट करवाओ। अगर वो नहीं करवाते हो तो खुद से अपने घर पर लिखो और फिर आपको जो स्टैंडर्ड आंसर्स मिलते हैं उससे मैच करो। तो आपको ये क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, आप नोट डाउन कर लेना और खुद से आंसर लिखने की कोशिश करना। ओके, अब हम 21AC01 का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, आराम से सॉल्व हो सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि ग्रामर के बाद यदि कोई सेक्शन स्कोरिंग होता है पेपर 2 में तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही होता है, और इस 20 नंबर का होता है, आप आराम से इसमें 15 स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग अटेम्प्ट करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में पेपर 2 का, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जिसने पढ़ लिख के एग्ज़ाम दिया है उसके बारे में कह रही हूँ, उसको सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करना चाहिए और उसके बाद नेक्स्ट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत स्कोरिंग होता है, 15 आराम से स्कोर कर सकते हो, और मतलब 15 से ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। फाइन, अब देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रिंसिपल क्या है वो मैं बता दूँ। मैंने लास्ट वीडियो में प्रेसी के बारे में बताया था, मैंने ये बताया था कि प्रेसी हो या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, दोनों का फोमोस्ट प्रिंसिपल यही होता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं लिखोगे जो पैसेज के बियॉन्ड हो। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दोगे अपने आंसर में जो कंटेंट पैसेज में नहीं लिखा हो, ये चीज़ ध्यान रखना। और राइटर के अगेंस्ट भी नहीं जाना है आपका, अगर सपोज आपका ओपिनियन पूछा जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो वो भी आपका ओपिनियन राइटर के ओपिनियन से अलाइन करना पड़ेगा, मतलब राइटर का जो ओपिनियन है उसके साथ आपको मैच करना पड़ेगा, रेजोनेट करना पड़ेगा, ये चीज़ भी आपको देखनी है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने बहुत बार देखा हुआ है इस तरह से कि किसी कोई कोई वीडियो भी मैंने देखा है जिसमें बोलते हैं कि 4 मार्क्स का है तो थोड़ा लंबा आंसर लिखो, कुछ अपना ओपिनियन दे दो, कुछ एक्स्ट्रा लिखो, ऐसे कहते हैं। वो एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। अपना लिखो, एक्स्ट्रा लिखो, तो आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है एस्से में, रिपोर्ट में, आर्ग्यूमेंट में, अपना लिखना।
अपने मर्जी से लिखना, अपना ओपिनियन देखना, इसका अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट दे रहा है। मगर रीडिंग कॉम्प्रेंशन ऑफ प्रेसी बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, आपको अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेना है टू द पैसेज, गॉट इट। आप अपना कुछ भी इसमें नहीं दे सकते हो, जो अपना देना है वो ऐसे रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट। तो ये जो धारणा है कि हमें ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखना चाहिए, वो गलत धारणा है। अगर ऐसा ही है कि 4 मार्क्स का, आपको भी पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो 5ों क्वेश्चन का आपको पता है कि 4 मार्क्स होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखना चाहिए, ओके, कम से कम 10 लाइन तो लिखना चाहिए, ऐसा फील होता है। मगर खुद सोचो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये 5ों है, क्वेश्चन ए भी 4 मार्क्स का है, क्वेश्चन बी भी 4 मार्क्स का है, क्वेश्चन सी भी 4 मार्क्स, डी भी 4 मार्क्स और ई भी 4 मार्क्स। तो इसका साफ मतलब है, इस प्रिंसिपल को हम अगर अडॉप्ट करते हैं आंसर लिखने में, तो इसका साफ मतलब यही है कि सबका आंसर का लेंथ भी सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली ए क्वेश्चन 4 मार्क्स, बी क्वेश्चन 4 मार्क्स, सी क्वेश्चन 4 मार्क्स, डी क्वेश्चन 4 मार्क्स, ई क्वेश्चन 4 मार्क्स, सबके मार्क्स वेटेज सेम है तो लेंथ ऑफ द आंसर भी सेम होना चाहिए। ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, अपने आप में इलॉजिकल है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो ज़्यादा लिखो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि आपका जो आंसर होगा वो पैसेज के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, यानी पैसेज के बाहर कुछ नहीं लिखोगे, फर्स्ट। सेकंड, क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, यानी क्वेश्चन जो पूछा है बस उसका आंसर करो, एक्स्ट्रा मत लिखो, फाइन। एक्स्ट्रा लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा। क्वेश्चन अगर डिमांड कर रहा है 1 लाइन आंसर तो 1 लाइन आंसर दो। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है 2 लाइन आंसर तो 2 लाइन आंसर दो, गॉट इट। आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका एक्स्ट्रा मार्क्स कटेगा, फाइन। तीसरा, कभी भी आपके आंसर राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस दिस दिस, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है, तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तो आपका ओपिनियन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा करते हैं कि अपनी मर्जी से दे देते, जैसे एक पैसेज मैंने दिया था लास्ट ईयर शायद दिया था, वो पैसेज था वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, बेसिकली एनिमल स्लॉटरिंग पर ये पैसेज था कि एनिमल को किल किया जाता है और क्यों किल किया जाता है, ताकि ह्यूमन के टंग को सेटिस्फाई किया जाए। तो ये पूरा का पूरा पैसेज एनिमल स्लॉटरिंग पर था, तो राइटर जो है वो एनिमल स्लॉटरिंग के अगेंस्ट बोल रहा था एंटायर पैसेज में। अब एक क्वेश्चन ये था, आपका ओपिनियन पूछा जा रहा था कि एनिमल स्लॉटरिंग होना चाहिए या नहीं, तो उसमें एक स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है उसके आंसर देखकर वो नॉन वेजिटेरियन होगा, तो वो स्टूडेंट ने लिखा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है एनिमल स्लॉटरिंग से, एनिमल स्लॉटरिंग किया जा सकता है क्योंकि इतने अनाज नहीं होते हैं, फूड क्राइसिस हो रही है, तो इसीलिए ह्यूमन का पेट भरने के लिए एनिमल स्लॉटरिंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टूडेंट का आंसर था। वो स्टूडेंट अपना ओपिनियन तो दे दिया मगर उसका ओपिनियन राइटर के अगेंस्ट चला गया, उसको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चाहे आपका कुछ भी ओपिनियन हो रिगार्डिंग द इशू दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज, कोई भी आपका ओपिनियन हो, तो अपना ओपिनियन अपने पास रखना, आंसर्स में नहीं लिखने की ज़रूरत है। आप तो वही ओपिनियन देना जो राइटर का ओपिनियन हो, चाहे वो आप राइटर के अगेंस्ट क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हो गई बात? तो आपको अपने आंसर एकदम टू द पॉइंट लिखने हैं। ये खुशबी का आंसर पेपर है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी कल या परसों करूँगी। अब देखिए, व्हाई डू एजुकेशनिस्ट कंसिडर फिलोसफी अ वीक एंड वुडली फील्ड, तो इसने एकदम एग्जैक्ट, आप देखोगे एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, तो इसको मार्क्स भी पूरे अच्छे मिले हैं 3। अब देखो, what do you understand by the term perennialism in the context of the given comprehension passage? अब इसमें इसने यहाँ तक तो आंसर दे दिया, ये वाला इसका आंसर पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर है, ये वाला जो लाइन इसने लिखा ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है, मगर इसने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया द प्रिंसिपल्स एंड ये सब जो चीज़ इसने लिखी है ना,
ये एक्स्ट्रा है इसीलिए इसके मार्क्स यहाँ पे कट गए, इसलिए दो मिले हैं, एक्स्ट्रा लिखोगे एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट होंगे, बिल्कुल डेविएशन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन से। तो यदि आप चाहते हो कि क्वेश्चन से आपका आंसर डेविएट ना करे तो उसके लिए कोशिश करो कि आप क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर स्टार्ट करो। जैसे व्हाट डू द साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन, तो आप ऐसे लिखोगे द साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन, इस तरह से। व्हाट इज एसेंशियल टू बिकम अ सक्सेसफुल एडल्ट, इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल एडल्ट इट इज एसेंशियल टू, इस तरह से। व्हाट आर द रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स ऑफ गिविंग द चिल्ड्रन टू मच टू सून। 90% केसेस में ये पॉसिबल है कि आप क्वेश्चन के लाइन से अपना आंसर शुरू करो, यदि ऐसा करोगे तो आपका टू द पॉइंट आंसर होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब हम आते हैं किस तरह से हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स को सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले और हमारा टाइम भी कम से कम कंज्यूम हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आई मीन स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पैसेज मत पढ़ो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़कर आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि पैसेज में बेसिकली राइटर क्या कह रहा है या किसके बारे में कह रहा है। तो अगर हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पाँचों क्वेश्चन में आपको कोई कॉमन कीवर्ड नज़र आएगा, तो आप समझ जाना कि अच्छा राइटर इसी के बारे में इसका मतलब कह रहा है। जैसे व्हाई डू साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन, इसमें देखो इसमें चिल्ड्रन है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ गिविंग द चिल्ड्रन, व्हाई कांट पेरेंट्स से नो टू चिल्ड्रन, व्हाट इज द बैलेंस विच द पेरेंट्स नीड टू हैव इन टूडेज वर्ल्ड। यानी आप देखिए पेरेंट्स चिल्ड्रन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स पेरेंट्स, बेसिकली पूरा पैसेज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बारे में या उनके रिलेशनशिप के बारे में है। ओके और यहाँ पर लिखा है सक्सेसफुल एडल्ट, यानी चिल्ड्रन जब सक्सेसफुल एडल्ट बने उसके लिए क्या एसेंशियल चीज़ है। तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि पैसेज में बेसिकली क्या बोल रहा है। अब जब हमें क्रक्स ही समझ में आ जाता है पैसेज का क्वेश्चन से ही, तो जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत स्पीडी होती है और आपका जो रीडिंग भी होगा वो बहुत स्पीडी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि हाँ चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है और चिल्ड्रन को क्या सिखाना चाहिए, वॉन्ट टू टीच द चिल्ड्रन। एक सक्सेसफुल एडल्ट बनने के लिए चिल्ड्रन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हमें चिल्ड्रन को बहुत जल्दी क्यों चीज़ें नहीं देनी चाहिए, पेरेंट्स क्यों नहीं चिल्ड्रन को नो बोल पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिल्ड्रन को क्या सीख देनी चाहिए आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, वो ये पैसेज के बारे में, इसके बारे में एक्चुअली में बात हो रही है। फाइन, तो जब पैसेज पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा एडवांटेज ये है कि आपको पता है अच्छा व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स, तो जब आप पैसेज रीड करोगे तो आपको ध्यान आएगा, आप रिकॉल कर पाओगे अरे ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये रहा। ओके तो देखो व्हाट डू साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स, अब देखिए मैंने क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू किया है, व्हाट डू द साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स वॉन्ट टू टीच देयर चिल्ड्रन, द साइकोलॉजिस्ट एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स वॉन्ट टू टीच देयर चिल्ड्रन टू लिमिट देयर डिजायर्स फुल स्टॉप, they also want to teach them the values of hard work, contentment, honesty, compassion. तो ये वाला जो आंसर है देखो, now a growing number of psychologists, educators and parents think it's time to stop the madness and start teaching kids about what really important values like hard work, contentment, honesty and compassion to set limits. तो ये as it is मैंने copy कर दिया। अब स्टूडेंट कहते हैं अपने वर्ड्स में लिखे, अपने वर्ड्स में लिखना ज़रूरी नहीं है, आप कॉपी कर लो मगर उसको फिल्टर कर लो। अब जैसे मैंने फिल्टर किया है, दे ऑल्सो वॉन्ट टू टीच देम द वैल्यूज ऑफ हार्डवर्क कंटेंटमेंट, अब यहाँ पर स्टॉप द मैडनेस हटा दिया मैंने, वॉट रियली इम्पॉर्टेंट इज ये भी हटा दिया मैंने, बस मैंने हार्डवर्क कंटेंटमेंट ऑनेस्टी एंड कंपैशन लिखा है, ऑफ ए सेट लिमिट्स टू व्हाट डिजायर्स बस। यानी जब आप कॉपी भी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ नॉन इम्पॉर्टेंट है क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब मैडनेस को हटा दो, ये सब चीज़ इररिलेवेंट है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
क्वेश्चन का आंसर एकदम आपको सटीक देना है, कॉन्क्रीट देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंशियल टू बिकम अ सक्सेसफुल एडल्ट? इसका आंसर है, इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल एडल्ट, सेल्फ कंट्रोल, लर्निंग टू फेस अ चैलेंज एंड सर्विस एटीट्यूड आर एसेंशियल। अब देखिए, इसके आंसर आपको लास्ट में मिलेंगे, सेल्फ कंट्रोल, लर्निंग हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, सर्विस टू अदर्स। और किस तरह से ये लोग सीखेंगे? व्हेन दे सी देयर पेरेंट्स बिहेविंग लाइक दिस। ओके, अब उसके बाद थर्ड है, व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ गिविंग द चिल्ड्रन टू मच टू सून? अब देखिए, इसका आंसर मैंने एकदम प्रिसाइज लिखा है, बाय गिविंग द चिल्ड्रन टू मच टू सून रिजल्ट्स इन मेकिंग द चिल्ड्रन वल्नरेबल टू फ्यूचर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। दे बिकम सो मच हैबिचुएटेड टू गेटिंग थिंग्स ईजीली इन देयर चाइल्डहुड दैट वेन दे ग्रो एडल्ट एंड फेल टू गेट थिंग्स दे डिजायर लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। तो ये जो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन है, यहाँ से लिया है, वेन गिवन टू मच टू सून दे ग्रो अप टू बी एडल्ट हु हैव डिफिकल्टी इन कोपिंग विद लाइफ डिसअपॉइंटमेंट्स। दे ऑल्सो हैव डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दैट गेट्स इन अ वे ऑफ सक्सेस इन द वर्क एंड इन द प्लेस इन रिलेशनशिप। एक्चुअली ये है इसका आंसर। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी आप लिफ्ट कर रहे हैं, जो कि उसका आंसर बहुत अच्छे से नहीं है। इसका आंसर टू बी प्रिसाइज ये यहीं से मिलेगा आपको। मैंने लिफ्ट तो किया है, मगर मैंने इसमें थोड़ा चेंजेस लेकर मैं आ गई हूँ। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट भी वर्ड भी मैं लेकर आ गई हूँ, साथ में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में भी मैंने बता दिया। दे बिकम सो मच हैबिचुएटेड टू गेटिंग थिंग्स ईजिली इन दैट चाइल्डहुड दैट वेन दे ग्रो एडल्ट फेल टू गेट थिंग्स एज दे डिजायर। फिर है, why can't parents say no to children? अब देखिए, parents no नहीं बोल पाते children को, तो कुछ students ने इसका answer इस paragraph से लिया है, और उसका answer इन्होंने ऐसे लिखा है कि भाई खुद भी वो है ना बहुत thrift, और उनके parents उनको no बोल देते थे, इसीलिए अभी के जो parents है वो अपने बच्चे को no नहीं बोल पाते हैं। मगर ये reason नहीं है इस पैराग्राफ में, उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है इस पैराग्राफ में। है दो रीज़न है, पहला तो जो पेरेंट्स है वो थक हार के अपने काम से आते हैं, और फिर जब बच्चे को जिद करते हैं तो पेरेंट्स वांट टू बाय पीस बाय सेइंग यस। दूसरा है, पेरेंट्स को लगता है कि अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अब उसके बच्चे सर्वाइव करना चाहें तो इसीलिए उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ज़रूरी है। किड्स थ्राइव इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब इसका आंसर मैंने इस तरह से लिखा है, पेरेंट्स कांट से नो टू देयर चिल्ड्रन, क्वेश्चन के लाइन से ही आंसर शुरू किया है मैंने, बिकॉज दे वॉन्ट टू हैव पीस आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। तो लिफ्ट भी किया है और थोड़ा सा मैंने इसको मॉडिफाई किया है, बाय सेइंग यस टू देयर चिल्ड्रन दे अवॉइड गेटिंग इन टू कंफ्लिक्ट विद देम। अनदर रीजन इज दैट द पेरेंट्स फील दैट बाइंग ऑल द स्टफ्स फॉर देयर चिल्ड्रन विल हेल्प देम थ्राइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो थ्राइव वर्ड भी मैंने ले लिया, पीस वर्ड भी ले लिया, और थोड़ा सा मैंने अपने सेंटेंस में लिखने की कोशिश की है। आप है ना, यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर पॉइंट वाइज डिमांड कर रहा है, यू नो वन टू थ्री तीन चार रीज़न है, तो बेटर ये है उसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, पेरेंट्स कांट से नो टू देयर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, फिर वन टू थ्री करके रीज़न दे दो, मगर उसमें भी हर एक पॉइंट में आपका कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। लास्ट है, व्हाट इज द बैलेंस विच द पेरेंट्स नीड टू हैव इन टूडेज वर्ल्ड? तो बैलेंस विच द पेरेंट्स नीड टू हैव इन टूडेज वर्ल्ड इज फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड साइमल्टेनियसली टीचिंग देम द लाइफ लेसन्स दैट कम फ्रॉम वेटिंग, सेविंग एंड वर्किंग हार्ड। ये आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, वेटिंग, सेविंग एंड वर्किंग हार्ड। What parents need to find is a balance between the advantage of an affluent society and the critical life lessons that come from waiting, saving and working hard to achieve goal. तो ये जो है waiting, saving and working hard, ये मैंने as it is ले लिया है और मैंने question के line से शुरू किया है। Okay? Thank you students.